Ankur Jain. I'm the founder. Hey there, I'm Ankur Jain. I'm the founder of TrackMyPayment.in. आज का टॉपिक है कि जो भी सेल्फ शिप सेलर्स हैं और वो अपनी कोरियर से अगर शिप करते हैं प्रोडक्ट्स को, तो कस्टमर के पास डिटेल नहीं जाती है कि कब उनका प्रोडक्ट शिप हो रहा है। शिप होने पे तो जाती है, क्योंकि जब आप डिटेल अमेज़न पे डालते हैं तो एक मेल जो है जाता है, बट उसके बाद फर्दर कोई भी अपडेट्स कस्टमर के पास नहीं जाती है कि उसका इन ट्रांजिट है, इन ट्रांजिट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कितने दिन में डिलीवर्ड होगा। सो कस्टमर का थोड़ा सा एक्सपीरियंस को अगर आपको जो इंक्रीज़ करना है तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। जैसे अमेज़ॉन ईजी शिप के साथ जो सेलर काम करते हैं ATS के साथ, तो उनको स्टेप बाय स्टेप जो है नोटिफिकेशन जो है जाता है कब उनका ऑर्डर इन ट्रांजिट है कब, और वो पूरी ट्रैकिंग जो है सेम पैनल पे जो है देख सकते हैं। बट जो सेल्फ शिप ऑर्डर्स होते हैं उनमें ऐसा कोई भी अमेज़ॉन प्रोवाइड नहीं करता है। सो उसके लिए एक टूल है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए उस टूल के बारे में जो है जान लेते हैं। सो उस टूल का नाम है शिपवे। शिपवे एक टूल है जिसके बेसिस पे आप के कस्टमर को कभी भी जो है, जब भी उनका ऑर्डर जो है शिप होता है या इन ट्रांजिट होता है या कभी भी कोई भी चेंजेस होता है उनके ट्रैकिंग में शिपमेंट की, तो वो वहाँ आपको जो है ईमेल के थ्रू और मोबाइल पे SMS के थ्रू आपको नोटिफिकेशन जो है भेजता है, जिससे कस्टमर को ये पता रहता है कि मेरा ऑर्डर कब जो है डिलीवर्ड होगा, अब अभी कहाँ पे है। सो कस्टमर की जो क्वेरी है कि भाई आपने अगर शिप किया है, क्योंकि कस्टमर के पास कोई डिटेल तो जाती नहीं है, बट अगर कस्टमर को रेगुलर इंटरवल्स पे उनके अपडेट्स जो है जाते रहते हैं तो उसकी उसके बिहाफ पे कस्टमर जो है आपको मेल नहीं करता। अगर आप नहीं भेजते हैं तो शायद कस्टमर जो है ज़्यादा मेल जो है करते हैं कि मेरा भी प्रोडक्ट कहाँ पे है मुझे बताइए। सो वो एक्सपीरियंस को जो है बढ़ाने के लिए ये टूल है शिपवे, जो एक इंडियन टूल है। और ये जितने भी आपके वूकॉमर्स हैं, अमेज़ॉन हैं या शॉपिफाई है, कार्ट रॉकेट है, ईबे है, बिग कॉमर्स है, ये इन सब पे आपका जो है इंटीग्रेट कर सकते हैं और सीधे जो है डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल वामाशिप पे अगर आप जो है करते हैं तो इनका इंटीग्रेशन है कि जैसे ही आप उस उनके पैनल से आप ऑर्डर शिप करेंगे, ऑटोमेटिकली शिपवे में कस्टमर की डिटेल आ जाएंगी और ऑटोमेटिकली वो इट विल स्टार्ट सेंडिंग यू नो नोटिफिकेशन टू योर कस्टमर ऑन देयर मोबाइल एंड ईमेल, तो वो स्टार्ट कर देगा। ऐसी शिपी लाइट के साथ भी है, शिपी लाइट के साथ अगर आप जो है काम कर रहे हैं। इनका खुद का प्रोडक्ट है ईजी शिप, जिसका हम रिव्यू जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे। पेस्टर शॉप जो हो, तो बहुत सारे इंटीग्रेशन के ऑप्शंस हैं इनके पार्ट कि आप ओपन कार्ड में अगर आपकी जो है बनी है तो। सो बेस्ट वे है कि ये जो भी आपको जो है सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं इंटीग्रेशन होना चाहिए। हालांकि अगर इंटीग्रेशन नहीं है तो आप मैन्युअली भी इसमें डिटेल जो है डाल सकते हैं, चाहे वो वन बाय वन, चाहे वो आपका बल्क में आप जो है डाल सकते हैं। सो इनकी एक शीट है, उसमें डिटेल डालेंगे और उसको अपलोड कर देंगे तो वहाँ पर वो आपका शिपिंग जो है अपडेट्स हो जाएंगी। सो ब्रांड ट्रैकिंग मेजर इनके क्लाइंट्स, सो इस तरीके से ये जो है आपका वर्क करता है। सो इनके प्राइसिंग प्लान जो है देख लेते हैं कि प्राइसिंग प्लान देखिए 0.75 पर शिपमेंट के हिसाब से इनका स्टार्ट हो जाता है, एंटरप्राइज टू एंड डायमंड। सो 0.75 में ये आपको जो है मैनुअल ही करना पड़ेगा, बल्क अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई भी इंटीग्रेशन नहीं मिलेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इंटीग्रेशन का ऑप्शन नहीं है तो आप जो है ये वाला प्लान जो है चूज़ कर सकते हैं, कि वैसे भी अगर वो बल्क में शिपमेंट आपको अपलोड जो है करना है। सो अब देखेंगे कि इनके डायमंड प्लान में ऐसा क्या है कि ऑर्डर रिव्यू फीडबैक जो है मिलेगा, कस्टमर जो है फीडबैक भी जो है दे, लेकिन फीडबैक सिर्फ इन्हीं के पैनल पे जो है मिलेगा, ना कि अमेज़ॉन के पैनल पे, कि वो कस्टमर का एक्सपीरियंस जो है पूछेंगे
कि आपका इस शिपमेंट के बारे में क्या रिव्यू और फीडबैक आप जो है देना चाहते हैं, तो वो इन्हीं के पैनल पे, शिपवे के पैनल पे ही दिखाई देगा। रिव्यू वाइड गेट आपको जो है मिलेगी, देन नेट प्रमोटर स्कोर ये जो है आपका दिखाई देगा उसी में, इन्हीं के पैनल पे। तो इन्हीं का एक जो है एनालिटिक टूल है जो कि वर्क करता है इन्हीं के पैनल पे। ईमेल एंड एसएमएस टेम्पलेट आपको कस्टम, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इनके ईमेल और एसएमएस के टेम्पलेट को आप एडिट कर सकते हैं। ब्रांड ट्रैकिंग पेज आपको जो है मिल जाएगा जो कि आपके डायमंड प्लान में है। सो 3 रुपीज़ तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट एज अ नॉर्मल आप ये ₹2 वाला जो है प्लान जो है यूज़ जो है कर सकते हैं। सो आई वॉज इन टू सेल्फ शिप ऑर्डर्स, तो मैं आई एम यूजिंग दिस टूल सिंस 3-4 ईयर्स। सो इस तरीके से ये जो है दिखाई जो है देता है, जब भी आपके शिपमेंट्स आएंगे यहाँ पे आपको जो है डिटेल जो है आ जाएंगी, कब जो है शिपमेंट जो है आपका जो है इंपोर्ट हुआ, यानी कि आपने अगर किसी पैनल के थ्रू जो है यूज़ जो है किया है। सो आई वाज यूजिंग देयर सर्विसेज इजी स्लिप, जिसके थ्रू हम जो है ऑर्डर जो है प्रोसेस जो है करते थे, और ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद जो भी कस्टमर की डिटेल्स थी वो यहाँ पे आ जाती थी, और यहाँ से कस्टमर के पास जो है नोटिफिकेशन जो है जाता था। तो इस तरीके से ये जो है वर्क जो है करता है। कुछ इसके जो है फीचर्स हैं, एनालिटिक्स है, नेट प्रमोटर स्कोर जो हमने आपको जो है बताया, ब्रांड ट्रैकिंग पेज, कस्टमर रिव्यू, देन प्राइसिंग इन्होंने दिया हुआ है, इंटीग्रेशन इन्होंने दिया है, देख लेते हैं इंटीग्रेशन में क्या क्या है। देन देखिए इंटीग्रेशन में इतने सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। ट्रैकिंग वाइड गेट किस तरीके की जो है होगी, ये आप अपने जो है स्क्रिप्ट जो है अपनी वेबसाइट उसमें भी जो है लगा सकते हैं, अगर अपनी वेबसाइट के लिए आप जो है कर रहे हैं। नोटिफिकेशन को आपको जो है मैनेज करना है, तो इस तरीके से आप जो है नोटिफिकेशन जो है यहाँ से एडिट जो है कर सकते हैं। बेसिक सेटिंग में आपका जो है ये डिटेल जो है आ जाएंगी आपकी कंपनी की। सो इस तरीके से पूरा कस्टमाइज है, तो एक कस्टमर को एक्सपीरियंस जो है मिल जाता है, वो बार बार आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा कि अगर आपने जो है शिप किया है सेल्फ शिप के थ्रू, तो आपसे कस्टमर जो है ये मेल नहीं करेगा कि मेरा शिपमेंट अभी कहाँ है, मुझे कब डिलीवर्ड होगा। तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि मोबाइल और एसएमएस, सॉरी मोबाइल और ईमेल दोनों पे ही नोटिफिकेशन जो है जाता है, तो काफ़ी अच्छा जो है टूल है, और इन्हीं का टूल है इजी स्लिप। सो ये एक मल्टी चैनल जो शिपिंग है उनका इंटीग्रेशन है, कि आप की कोई भी इंटीग्रेशन, फॉर एग्जांपल आप ब्लू डार्ट या फिर इजी स्लिप, ब्लू डार्ट डिलीवरी या और कोई कूरियर फर्स्ट फ्लाइट उनके थ्रू जो है करते हैं, तो उनकी एपीआईएस के थ्रू ये जो है आपके ऑर्डर्स को जो है जनरेट करेगा, सारी चीज़ ऑटोमेटिक होंगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑर्डर जो है प्रोसेस करना है, तो जो ऑर्डर प्रोसेस करने के बाद जो है आपका काम जो है प्रिंट आउट निकालना है, देन उनको जो है मनी फीस जनरेट करना है, देन उनको जो है शिप जो है करना है। उसका जो है ये एक सोल्यूशन है। और जब यहाँ से आप जो है शिप जो है करते हैं, तो डायरेक्टली जो है शिपवे पे अपडेट जो है चली जाती हैं, और शिपवे से इंफॉर्मेशन फैच करके, पर्टिकुलर जो कोरियर है वहाँ से फैच करके वो कस्टमर के पास जो है भेजता है। तो रियल टाइम में तो नहीं होती है, बट हाँ इट विल टेक सम टाइम। जब जो है आप ऑर्डर प्रोसेस करेंगे, तो हाफ एन आवर में या कुछ मिनट में जो ऑर्डर्स हैं वो आपके शिपवे पे इम्पोर्ट हो जाते हैं, और फिर वहाँ से नोटिफिकेशन जो है जाता है। तो इजी शिप, इजी स्लिप का हम जो है रिव्यू नेक्स्ट वीडियो में जो है करेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो रिलेटेड, आप हमें जो है कमेंट में जो है लिख सकते हैं, हम उनके आपको जो है होपफुली जो है रिप्लाई जो है करेंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अ लॉट।